नमस्कार किसान भाइयों, हमारे चैनल ट्रैक्टर मित्र में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही शानदार वीडियो। इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मैसी फर्गूसन 245 DI प्लेनेटरी प्लस का। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस ट्रैक्टर के इंजन से। इस ट्रैक्टर में आपको 46 HP का 3 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। इसमें आपको बोस कंपनी का इनलाइन फ्यूल पम्प मिल जाता है, और यह इंजन 2700 CC का है। डीजल से पानी को अलग करने के लिए यहाँ पे वाटर सेपरेटर दिया गया है कंपनी की तरफ से। ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए फुटरेस्ट दिया गया है। और ऊपर जाके अब बात करते हैं, इसमें आपको शानदार कंफर्टेबल सीट मिलती है। 2 कलर कॉम्बिनेशन में रेड एंड ब्लैक कलर है, बढ़िया कंफर्टेबल सीट है। और ड्राइवर सीट पे बैठ के आपको कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है सामने का। दाएं साइड में यहाँ पे आपको पीछे देखने के लिए शीशा मिल जाता है, और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हैं। डिजिटल आवर मीटर के साथ में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, बढ़िया शानदार। यहाँ नीचे ट्रैक्टर के इंडिकेटर और हेडलैम्प को कंट्रोल करने के लिए स्विच दिया गया है, और स्टीयरिंग के बीच में मैसी का लोगो। स्टीयरिंग इसमें आपको मैनुअल और पावर दोनों टाइप के स्टीयरिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पे हाथ की रेस दी गई है, और ये नीचे आपको आपके मोबाइल को चार्ज करने के लिए 12 वोल्ट का पावर सॉकेट मिल जाता है। और गियरबॉक्स की अगर इसमें बात करें तो इसमें आपको स्लाइडिंग मेस और पार्शियल कॉन्स्टेंट मेस दोनों टाइप के गियरबॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको 8 आगे के और 2 पीछे के गियर मिल जाते हैं। और ये ट्रैक्टर को बंद करने के लिए चोक दी गई है। क्लच की अगर बात करें तो इसमें आपको डुअल क्लच मिल जाता है। और ब्रेक्स इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑयल इमर्सिड डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। ये पाँव की रेस, और दाईं साइड में यहाँ पर आपको हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल करने के लिए लीवर दिए गए हैं, और ये मडगार्ड दाईं साइड से। बाईं साइड में आपको पार्किंग ब्रेक मिल जाते हैं, कार की तरह के ही पार्किंग ब्रेक दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में आपको। और इसमें PTO लीवर मिल जाता है यहाँ पे आपको। इसमें आपको LPTO, MSPTO और GSPTO मिल जाती है। यहाँ पे फाइबर का टूल बॉक्स दिया गया है कंपनी ने, बढ़िया टूल बॉक्स है। ट्रैक्टर की लुक देख सकते हो आप, बहुत ही अच्छी लुक दी गई है ट्रैक्टर की। आगे से भी बहुत ही अच्छा लगता है ट्रैक्टर देखने में। और ये हैवी ड्यूटी बम्पर दिया गया कंपनी की तरफ से। इसमें डुअल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया आपको, और ये यहाँ पे कूलेंट। इस ट्रैक्टर में ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर दिया गया कंपनी द्वारा। टायर्स की अगर बात करें तो इसमें आगे के टायर 616 के दिए गए हैं, और पीछे के टायरों की अगर बात करें तो पीछे के टायर इसमें आए 13 6 28 के दिए गए हैं। पीछे इसमें आपको ड्राइवर सीट के पीछे ये रिफ्लेक्टर दिया गया है, और पीछे की हेडलैम्प। लिफ्ट कैपेसिटी इसमें आपको 1700 किलोग्राम की मिल जाती है 3 पॉइंट लिंकेज के साथ में। मल्टी स्पीड PTO दी गई है इसमें। पीछे के एक्सल में इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एपी साइक्लिक रिडक्शन दिया गया है, प्लेनेटरी प्लस जिसे बोलते हैं। और ये पावर सॉकेट दिया गया है ट्रॉली को लाइट देने के लिए, और ये DCV वॉल कंपनी फिटेड। इस ट्रैक्टर की कीमत की अगर बात करें तो मैसी फर्गूसन 245 DI प्लेनेटरी प्लस की एक्सोरूम प्राइस है 6,60,000 रुपये।